हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद द हाइपरबोला। ठीक है, तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अभी, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने एलिप्स हाइपरबोला सॉरी एलिप्स एंड पैराबोला सर्कल में कवर अप किए हुए हैं, वही पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन एंड वी हैव अ पॉइंट एक्स वन वाई वन, यहां से दो टेंजेंट बनेंगे, एक इस तरफ, राइट, तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट कैसी बने, मतलब उसकी इक्वेशन क्या होगी पेयर ऑफ टेंजेंट की। ठीक है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, सब में यही चीज रहती है, दैट्स इट, दैट्स इट, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। सबके अंदर सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, राइट, हाइपरबोला है, सबके अंदर एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर रहेगी। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। देन इसी के साथ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, यहीं पर जो ये टेंजेंट्स बनी है इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहा है इनको ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी, राइट, तो ये कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी। ठीक, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू जीरो, पॉइंट अगर हाइपरबोला के ऊपर आ रहा है तो दैट केस टेंजेंट, ये टेंजेंट एक्ट करता है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाती है टी इक्वल टू जीरो, एंड इन केस अगर पॉइंट ऊपर नहीं आ रहा, राइट, पॉइंट बाहर है, तो इन दैट केस ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगी एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू हमारा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा। ठीक है, देन थर्ड इज कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। ठीक है, क्या मतलब इस चीज का, इस चीज का मतलब ये है कि अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है तो इसके थ्रू पास करने वाली एक पर्टिकुलर कोड होगी जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, राइट, तो अगर ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है ठीक है, अगर ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है तो इन दैट केस ये जो लाइन आ रही है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कोड की या फिर इक्वेशन, और वो क्या होती है, t इज इक्वल टू एस वन। ठीक है, दैट इज द कोड बाइसेक्टेड एट दी गिवन पॉइंट। देन फोर्थ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने कल तुम्हें बताया था थोड़ा सा कि इलिप्स के विद रिस्पेक्ट टू अगर देखा जाए, ठीक है, तीन चीजों को बताता हूं मैं, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो सर्कल है अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर एलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो इसका डायरेक्टर सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एलिप्स से हाइपरबोला हम कैसे जाते हैं, राइट, अच्छा बाय द वे यही चीज समझना कि अगर इधर ए इक्वल टू बी हो जाता है तो ये सर्कल बन जाएगा, तो इसी के अंदर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये वाली चीज बन जाएगी, दैट्स इट, ठीक है ना। और ऐसा भी सोच सकते हो कि ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को नीचे लेके आए तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, राइट। अब इसका जो डायरेक्टर सर्कल आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर को लिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर को मैंने कर दिया अब बी स्क्वायर, तो इधर एक ए स्क्वायर को कर दिया बी स्क्वायर, तो ये एलिप्स का बन गया, बात खत्म। तो जैसे सर्कल को एलिप्स में कन्वर्ट किया वैसे ही ये जो डायरेक्टर सर्कल है वो भी एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल में कन्वर्ट, ठीक है, तो ये तो एलिप्स का और सर्कल का आपस में लेना देना होगा।
है, इस तरीके से भी सोच सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड चीज है। ठीक है, अब यहाँ से हाइपरबोला कैसे जाना है, बी स्केयर की जगह माइनस बी स्केयर पुट करके, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। तो एक्स स्केयर बाय ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाय बी स्केयर दैट इज वन। तो डायरेक्टर सर्कल भी सिमिलरली चेंज करके बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, मतलब दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा राइट वो क्या जाएगा, एक सर्कल जाता है। अच्छा पैराबोला के केस में क्या बनता है वो याद करो, पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स। बिल्कुल सही, तो पैराबोला के केस में वो डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है बस। तो ये डायरेक्टर सर्कल है। अब ये डायरेक्टर सर्कल की निकालने का तरीका क्या है, एग्जैक्ट तरीका क्या है, ये तो याद रखने का तरीका हो गया, एग्जैक्ट निकालने का तरीका क्या है। देखो हमने कर्व ली, एक टेंजेंट की इक्वेशन ली, एम स्लोप की, तो इसकी इक्वेशन आ गई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमने बोला कि ये एच कोमा के से पास करती है। ठीक है, सम पॉइंट एच कोमा के से पास करती है, तो इट मस्ट सेटिस्फाई, तो के इज इक्वल टू एम एच प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर लेके आके स्केयरिंग कर दी, तो के माइनस एम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ स्केयरिंग, ये अंडर रूट हट जाएगा ना इसे, तो ये आ गया एम स्क्वायर एच स्केयर प्लस के स्केयर माइनस टू एम एच के दैट इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो इन दोनों को पकड़ा हमने, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो ये बन गया एम स्केयर इंटू एच स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस टू एच के एम, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एच कोमा के से पास करने वाली दो स्लोप्स आएंगी इसका आंसर। ठीक है, जो और ऊपर से वो टेंजेंट भी होगी, तो एच कोमा के से पास करने वाली दो टेंजेंट जो बने उनका स्लोप जो है वो ये हमें इक्वेशन देगी। राइट, याद रखना सबके अंदर हमने सेम मेथड से किया था, पैराबोला में भी जो डायरेक्ट्रिक्स आई थी वो भी इसी मेथड से आई थी, एलिप्स में सर्कल में सबके अंदर सेम मेथड से हमें मिला था। तो इनको यहाँ पे टेंजेंट एक और बनाई, इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो एम वन एम टू जो होगा, ठीक है, पहली वाली लाइन का स्लोप एंड दूसरी वाली लाइन का स्लोप जिसका क्वाड्रेटिक ये हमें गिवन है आया है जो हमने निकाला है, तो एम वन एम टू शुड बी इक्वल टू माइनस। ठीक है, दैट्स इट, यहीं से हमें सब कुछ मिल जाएगा। देखो जरा क्या आ रहा है, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एम वन एम टू मतलब सी बाय, तो सी इज दिस एंड ए इज दिस डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस, हाँ जी आपकी आवाज कहाँ से, सर आपकी आवाज कट रही है, ओके ज्यादा कट रही है, हेलो लेट मी कंप्लीट दिस। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एच की जगह एक्स डाल दिया, के की जगह वाई डाल दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू इसको, हाँ ये तो कट, हेलो तो सी बाय ए जो था वो के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हमने डिवाइडेड बाय ए दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया दैट इज इक्वल टू माइनस वन, तो वहां से हमें डायरेक्टर सर्कल मिल गया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो अगर ये डायरेक्टर सर्कल को एग्जिस्ट करना है, राइट, तो कहने का मतलब, एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि भाई ये रियल सर्कल बनना चाहिए ना, तो इसका रेडियस क्या आ रहा है, इसका रेडियस आ रहा है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। राइट, तो रेडियस जो है वो रियल होना चाहिए, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो इन दिस केस। देखो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर इट टू बी रियल, अगेन इसके दो केसेस लेके जाएंगे,
ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर इक्वालिटी लिमिटिंग केस एंड ए स्केयर इज ग्रेटर देन बी स्केयर, ठीक है। इनइक्वालिटी सर आपकी आवाज फिर से कितने लग गई है। ओके इन केस अगर हम इक्वालिटी को यूज करते हैं, ठीक है, इन केस अगर हम इक्वालिटी को यूज करते हैं तो यार ध्यान से देखो कि जो ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर हो जाए और ए इक्वल टू बी हो जाए, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब होता है कि जो इधर सर्कल बनेगा इट विल बी अ पॉइंट सर्कल, ठीक है। इधर जो सर्कल बनेगा, ठीक है, ए इक्वल टू बी होने पे इट विल बी अ पॉइंट सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है पॉइंट सर्कल, ये 0.0 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके टकरानी चाहिए, राइट। अच्छा, अब अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो कल हमने देखा था कि इन दैट केस एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल हो जाता है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एसिम्प्टोट्स हमारी बनती हैं, राइट, स्लोप क्या होता है इसका, बी बाय ए। अब ए अगर बी के बराबर हो जाए तो स्लोप 1 यानी कि 45 डिग्री, तो ये 45, ये 45 यानी कि 90 डिग्री। तो यानी कि अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो ये जो एसिम्प्टोट्स होती है वही परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, ठीक है। एंड इसके इसका जो हाइपरबोला बनेगा ऐसे एंड ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हाइपरबोला बनेगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट पे कौन सी ऐसी दो टेंजेंट्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, वो भाई एसिम्प्टोट्स ही हैं। तो एसिम्प्टोट्स तो हम टेंजेंट्स मानते नहीं है, राइट। एसिम्प्टोट्स को तो हम कभी भी टेंजेंट्स नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन दिस केस ये जो पर्टिकुलर हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन आ रहा है ये गलत आ रहा है, ये एक्चुअली में टेंजेंट्स का नहीं आ रहा, टेंजेंट्स के लिमिटिंग केस एसिम्प्टोट का आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ केस वेयर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट्स आर इंटरसेक्टिंग, नॉट द टेंजेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट्स आर इंटरसेक्टिंग एंड नॉट टेंजेंट्स, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इक्वालिटी को कभी काउंट नहीं करते। तो अगेन इन इक्वालिटी को काउंट करते हैं, तो इसके थ्रू जो सर्कल बनेगा वही हमारा बनेगा, एंड ए हैज टू बी ग्रेटर देन बी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन बी। अब ये भी कल हमने देखा था कि जब ए बी से बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब ए बी से बड़ा हो जाएगा तो देखो जो एसिम्प्टोट्स हैं उसका स्लोप क्या होता है, बी बाय ए। अब ए अगर बड़ा हो जाएगा तो ये पूरी चीज जो है ये 1 से छोटी हो जाएगी, ये 1 से छोटी होने का मतलब ये एंगल जो है ये लेस देन 45 डिग्री होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से 45 डिग्री वाली लाइन्स हैं, राइट, ये 45 डिग्री वाली लाइन्स है, तो इन 45 डिग्री वाली लाइन से नीचे नीचे हमारा एसिम्प्टोट्स होनी चाहिए, ये ऐसी एसिम्प्टोट्स होनी चाहिए, फिर जाके इन एसिम्प्टोट्स का जो हाइपरबोला बनेगा इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल बनेगा यहाँ पर, जिसका रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर अब ये दूसरा पॉइंट क्या है कि ये 45 डिग्री वाली एसिम्प्टोट्स हैं, अब एसिम्प्टोट्स अगर 45 डिग्री से ज्यादा हो गई, राइट, तो इन एसिम्प्टोट्स का बी जो होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है, यानी कि ये कंडीशन इनवैलिड होगी, यानी कि इसका डायरेक्टर सर्कल नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा जो हाइपरबोला होता है ऐसा वाला, राइट, जिसका एसिम्प्टोट 45 डिग्री से ज्यादा होते हैं, उनका कोई भी यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनरी चला जाता है। तो दिस इज द टोटल थ्योरी। हाँ जी, अब डाउट बताओ क्या क्या आ रहे हैं डाउट। शुभम क्या बोल रहे हो? सर जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा हाँ जी सेम रहेगी कि मतलब जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, चेंज कर जाएगा? नहीं, उसका चेंज कर जाएगा ना, उसका उल्टा हो जाएगा। मैं एक चीज मैं बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से देखना जरा शुभम, ठीक है। इनफैक्ट उसकी उल्टी कंडीशन हो जाती है। कैसे? देखो चलो दो हाइपरबोला बना के दिखाता हूं मैं, उससे क्लियर होगा। तो शुभम अपना ध्यान से, एक तो ये चीज मालूम है ना शुभम कि जो
ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस होती हैं राइट, वो इंटरचेंज हो जाती हैं हाँ जी सर, राइट। तो अगर ये वाला हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला जो हमारा नॉर्मल हाइपरबोला है ये उसका डायरेक्टेड सर्कल है। नाउ व्हाट इज दिस ए, दैट इज सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर माइनस सेमी कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर, बात समझे, या सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर बोल लो माइनस सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, बात समझे। अब कंजुगेट हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है भाई, वो तो बी होता है, तो यही चीज जो है वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा उसका, बात समझे हाँ शुभम। सर। ठीक है, अब देखो अगर इसको विजुलाइज करूंगा कराऊंगा तो देखो ये 45 डिग्री वाली लाइन होगी। अब याद है हमने क्या बोला था कि जो हाइपरबोला होता है और जो कंजुगेट हाइपरबोला होता है इन दोनों के सिम्प्टोट सेम होते हैं राइट। तो अब अगर एक्चुअली में हमारे एसिम्प्टोट 45 डिग्री से कम वाले हैं ठीक है, तो वो ऐसे एसिम्प्टोट बनेंगे ठीक। अब यहां पे देखो ध्यान से भाई, इधर तो एंगल एसिम्प्टोट का 45 डिग्री से कम हो गया लेकिन इस वाले के लिए 45 डिग्री से ज्यादा हो गया, हाँ जाना। हाँ जी सर, कहने का मतलब यह है कि इस केस में हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल बनेगा लेकिन कंजुगेट हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इस केस में इसके लिए तो क्या है ए ग्रेटर देन बी है, बट इसके लिए क्या है, मतलब ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है कि योर कंजुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस इज ग्रेटर देन कंजुगेट एक्सिस, बट वही चीज अगर मैं इधर देखूंगा वो इंटरचेंज हो जाती है, इसके लिए क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस इज लेस देन कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ जी सर, ठीक है ना। अगेन इसको थोड़ा सा और मैं अगर डिटेल में बताऊं कंफ्यूजन हो सकती है, मैं ए बी यूज करता हूं ठीक है। अब ये भूल जाओ, ये एम इक्वल टू बी बाय ए है। अब अगर ये 45 डिग्री से कम है तो 45 डिग्री से कम मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होने का मतलब ए जो है वो बड़ा होगा, तो क्या आ रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखो ये ए हो गया लेंथ एंड ये लेंथ आ रही है बी ठीक है। अब ध्यान से तो इस चीज को ऑब्जर्व करना कि अगर ये ए है ये बी है तो यानी कि ए इज क्लियरली ग्रेटर देन बी, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि ए जो है वो ये वाला जो हाइपरबोला है इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ए को लिखा मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, बी को लिखा कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला ठीक। अब इधर जो कंजुगेट हाइपरबोला बनेगा ठीक है ये हाँ जी, ये जो ग्रीन वाला हाइपरबोला वाला कंजुगेट हाइपरबोला ठीक है, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है बी, तो बी इज अब वी नो दैट कि बी इज लेस देन ए, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला इज लेस देन कंजुगेट एक्सिस ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। अब भाई ट्रांसवर्स एक्सिस जो हाइपरबोला की बेसिकली जो भी हाइपरबोला हो फर्क नहीं पड़ता, कंजुगेट हाइपरबोला हो या हाइपरबोला हो फर्क नहीं पड़ता, ये चीज जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि उसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो कंजुगेट एक्सिस से बड़ा होना चाहिए। अब इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस से बड़ा आ गया लेकिन इसका ट्रांसवर्स एक्सिस छोटा आ गया, कहने का मतलब ये चीज है। और वैसे भी इधर से देखोगे तो एसिम्प्टोट के भी मतलब जो जा रहा है ये वाली चीज जो जा रही है 45 से बड़ी हो गई, तो इसका डायरेक्टर सर्कल नहीं बनेगा इसका बनेगा। एंड इन केस अगर 45 डिग्री से ऊपर की तरफ हो गया एसिम्प्टोट्स का एंगल राइट, ऐसे एसिम्प्टोट्स बने हो तो इन दैट केस इधर वाला हाइपरबोला ज्यादा खुल जाएगा और इधर वाला हाइपरबोला थोड़ा बंद हो जाएगा, कहने का मतलब इसका डायरेक्टर सर्कल बनेगा इसका डायरेक्टर सर्कल नहीं बनेगा इन दैट केस, बात समझ में आई शुभम। तो हाँ जी सर, कहने का मतलब एट ए टाइम एक का बनेगा, दोनों के साथ में नहीं बन सकते, क्लियर हुआ यस सर, ठीक। अच्छा एक और चीज, इन केस अगर दो एग्जैक्टली 45 डिग्री वाला बन जाए तो एग्जैक्टली 45 डिग्री के केस में क्या होता है, ठीक है सर पॉइंट सर्कल। बिल्कुल, लेकिन पॉइंट सर्कल अभी हमने रिजेक्ट किया ये वाला ठीक है ना, वही चीज बतानी है कि अगर ए इक्वल टू बी हो जाए ठीक है तो ये 45 डिग्री बन जाएगा, और ए इक्वल टू बी के केस में जो हाइपरबोला इधर भी 45 डिग्री इधर भी 45 डिग्री राइट right? दोनों भी तो दोनों सेम हाइपरबोला बनते हैं ऊपर भी और जो हाइपरबोला वो भी,
एंड कंजुगेट हाइपरबोला, वो भी ये दोनों सेम हाइपरबोला बनते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि देखो यही 90 डिग्री वाली टेंजेंट्स हैं इसकी, लेकिन ये टेंजेंट्स नहीं, ये तो सिम्प्टोट्स हैं। तो इन दैट केस ना हाइपरबोला का वो बनता है लोकस, ना कंजुगेट हाइपरबोला का लोकस बनता है इस केस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो नो डायरेक्टर सर्कल इन दिस केस, दैट्स इट। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो डायरेक्टर सर्कल एट ए टाइम, पहली बात तो एक ही हाइपरबोला का बन रहा है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल का बन रहा है तो वर्टिकल का नहीं बनेगा, वर्टिकल का बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल का नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री आ रहा है तो दोनों का नहीं बनेगा। हाँ जी शुभम, अभी क्लियर हुआ ओवरऑल? देख लो, कोई डाउट है अभी भी बोलो। यस सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये था हमारा सारा का सारा डायरेक्टर सर्कल, वही छोटे छोटे पॉइंट्स थे 3-4 जिनकी हमने बात की। नाउ लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है राइट, दैट इज एसिम्प्टोट्स। ठीक है, एंड ऑलरेडी देखी हुई है हमने एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टीज, बट स्टिल इसको अलग से हम अभी हैंडल कर रहे हैं, एंड जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे एक साथ ही लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा एसिम्प्टोट्स। डेफिनेशन ऑलरेडी तुम्हें क्लियर है एसिम्प्टोट्स की, ठीक है, कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी टूवर्ड्स जो कर्व है वो इनडेफिनेटली अप्रोच करता रहता करता रहता करता रहता है, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी एसिम्प्टोट। ठीक है, तो अब देखो कि अगर हाइपरबोला है हमारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इसका एसिम्प्टोट की इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है। तो यहीं से हमें इसको इक्वल टू इधर लेके जाओ एंड स्क्वायर रूट कर लो, तो क्या आ जाएगा एक्स बाय ए प्लस माइनस इज इक्वल टू वाई बाय बी, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी बाय ए एक्स। सो दिस इज एसिम्प्टोट की इक्वेशन। ठीक है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली इस तरीके से आ जाती है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट बोल लो इसको, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट बोल लो, ये इंडिविजुअल लाइन होगी, इस तरीके से हमारी आती है। ठीक है, अच्छा नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक है, इसकी छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह बोल लो वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एसिम्प्टोट्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये अभी अगला पॉइंट है हमारा, लेकिन अभी इंट्रोड्यूस करना था इसके अंदर ही। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जिसके लिए ए इक्वल टू बी हो जाए। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का मतलब ये है कि अगर हमारा a इक्वल टू बी हो जाए, देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब अगर इसका a इक्वल टू बी हो जाए तो यहां पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर a इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन, तो ए स्क्वायर एलसीएम लेके इधर आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट, ये हाइपरबोला बन जाएगा। अब ये जो हाइपरबोला है इसके लिए a इक्वल टू बी है, यानी कि एसिम्प्टोट्स के ये जो एंगल बनेगा वो बी बाय ए वन में हो जाएगा टेन थीटा, तो थीटा 45 डिग्री जाएगा, एंड नीचे वाली एसिम्प्टोट का भी ये 45 डिग्री जाएगा, तो दोनों एसिम्प्टोट्स के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। तो जब भी एसिम्प्टोट्स राइट एंगल पे हो जाती हैं एक दूसरे के, तो इन दैट केस जो हाइपरबोला बनता है उस हाइपरबोला को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, तो अगर a इक्वल टू बी हो जाए तो यस इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड इन दैट केस एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। अच्छा, अब एक और चीज, a इक्वल टू बी हो गया तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, फॉर a इक्वल टू बी, अब ध्यान से देखो हमारा बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ये कटेगा क्योंकि a इक्वल टू बी है, तो वन इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन, तो वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो दैट इज रूट टू का स्क्वायर, तो e की वैल्यू रूट टू, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रह नहीं सकता। तो कहने का मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी फिक्स होती है, दैट इज रूट टू। ठीक है, एक तो ये चीज आगे, ठीक, अच्छा वैसे भी हम निकाल सकते थे क्योंकि हमने ये याद है ये देखा था कि ये थीटा होता है, तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है, सीकेंट थीटा,
इसेंट्रिसिटी सिकेंड थीटा तो सिकेंड 45 डिग्री रूट टू हो जाता है, तो इसेंट्रिसिटी रूट टू चली जाएगी, तो ये मेहनत भी करने की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्टली हमारी इसेंट्रिसिटी निकल आती है। ठीक है, चलो एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड इज कि हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है, ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला, ये वर्टिकल हाइपरबोला हो गया, शेयर द सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है, दोनों की सेम एसिम्प्टोट होती है। अब इस चीज का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो जाए या कंजुगेट हाइपरबोला वर्टिकल हाइपरबोला हो जाए, इनकी ये एसिम्प्टोट सेम रहती हैं, राइट। अच्छा, अब ये सोचो कि एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टी है ए इक्वल टू बी होना, राइट, सॉरी हाइपरबोला की प्रॉपर्टी ए इक्वल टू बी होना, लेकिन उससे क्या होगा कि उसकी जो एसिम्प्टोट जाएंगी वो 90 डिग्री पे हो जाएंगी। अब ये एंगल अगर 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो कहने का मतलब कंजुगेट हाइपरबोला की भी जो एसिम्प्टोट है वो भी तो 90 डिग्री पे रहेंगी। सो इफ हाइपरबोला का ए इक्वल टू बी है और एसिम्प्टोट आर एट राइट एंगल, देन कंजुगेट हाइपरबोला जो है, ठीक है, ए इक्वल टू बी मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, अब जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा इसके भी एसिम्प्टोट जो है, ठीक है, वो 90 डिग्री पे होंगे, और इसका भी ए इक्वल टू बी होगा और इसका भी इसेंट्रिसिटी रूट टू आएगा। कहने का मतलब ये है कि यस, अगर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसका जो कंजुगेट हाइपरबोला बनेगा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, क्यों, क्योंकि उसके भी सेम सिम्प्टोट है, और अगर हाइपरबोला के सिम्प्टोट के बीच में 90 डिग्री आ गए तो कंजुगेट हाइपरबोला के सिम्प्टोट्स के बीच में भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यस इन दैट केस कंजुगेट हाइपरबोला जो होगा वो भी रेक्टेंगुलर होगा। सो इफ हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर देन इट्स कंजुगेट हाइपरबोला इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर। इफ हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर देन इट्स कंजुगेट हाइपरबोला इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर, यानी कि हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी अगर रूट टू है तो कंजुगेट हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी भी रूट टू रहेगी। ये ऑलरेडी हमने एक याद करो रिलेशन निकाला हुआ है, 1/E1² + 1/E2² इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये हमने पिछली कल देखा था कि जिसके अंदर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी कंजुगेट हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी का हमने रिलेशन निकाला था। और सोचो इसके अंदर अगर मैं ए को रूट टू पुट कर रहा हूँ तो 1/2 हो जाएगा स्केयरिंग, ओके, प्लस 1/E2² दैट इज 1, तो ये इधर जाएगा 1/E2² इज 1 - 1/2, तो दैट इज 1/2। ठीक, तो E2² यहां से क्या आ गया, वो भी 2 चला गया, तो E2 की वैल्यू जो है वो भी रूट टू चली गई। तो यहां से इस इक्वेशन से भी मैं बोल सकता हूँ कि यस, अगर एक की सेंट्रिसिटी रूट टू है यानी कि वो कंजुगेट हाइपरबोला है, तो दूसरे की सेंट्रिसिटी भी रूट टू आ रही है यानी कि वो भी कंजुगेट, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो दूसरे की सेंट्रिसिटी भी रूट टू आ रही है तो वो भी हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है हमारा कि दोनों के बीच में पहली बात तो सेम सिम्प्टोट्स होती हैं, दोनों की सेम सिम्प्टोट्स होती हैं, तो एक ही सिम्प्टोट्स के बीच में अगर 90 डिग्री आ रहे तो दूसरे की भी 90 डिग्री रहेगा, तो एक रेक्टेंगुलर है तो दूसरा भी रेक्टेंगुलर रहेगा, एक का एसेंट्रिसिटी रूट टू है तो दूसरे की भी रूट टू रहेगी, एक का ए इक्वल टू बी है तो दूसरे का भी ए इक्वल टू बी रहेगा। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। ठीक है, इस पूरे पॉइंट में कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ शुभम, इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल, इस एंगल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल, ठीक है ना। चलो देन थर्ड पॉइंट इज एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, ये एसिम्प्टोट्स, ठीक है, ये थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय ए, तो थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स बी बाय ए, तो टोटल एंगल टू थीटा, क्योंकि थीटा नीचे भी है, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स बी बाय ए। अब इसके ऊपर टू टेन इनवर्स का फॉर्मुला लगाना, लगा दो, अदरवाइज यहीं पे रहने दो, दैट्स इट, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, देन थर्ड सॉरी फोर्थ, कि इफ एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज टू थीटा, जो यहां पर हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, देन इसेंट्रिसिटी जो होती है वो सीकेंट थीटा होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ, राइट,
इसमें अगर किसी को डाउट आएगा तो बता देना प्लीज, मैं प्रूफ दोबारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने कल या परसों आई थिंक प्रूफ किया था, ठीक है। अच्छा, एसिम्प्टोट्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो ये जो हाइपरबोला बना हमारा और ये इसका सेंटर होता है, तो जो एसिम्प्टोट्स होती है वो भी यहीं से पास करती है ना हमारी, तो एसिम्प्टोट्स ऑल्सो पासेस थ्रू द सेम सेंटर ऑफ द, मतलब सेम पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ द हाइपरबोला है, ठीक है। तो दोनों का सेंटर सेम रहता है, एसिम्प्टोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली, नॉट सेंटर, एसिम्प्टोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड हाइपरबोला का सेंटर, दे बोथ आर द सेम पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, देन सिक्स्थ इज कि हाइपरबोला की इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन। एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। एंड कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज होता है, ये कहने का मतलब ये है कि हाइपरबोला की इक्वेशन प्लस कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एसिम्प्टोट इक्वेशन होता है। ये चीज याद रखना, या फिर इनका कॉन्स्टेंट टर्म इस तरीके से ऑर्डर फॉलो करते हैं, ये बोल सकते हो, ठीक है। ये इन तीनों का आपस में रिलेशन आ गया, ऐसा तुम बोल सकते हो कि यस ये चीज ऐसे वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है उसके बारे में मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया साथ साथ में, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ए इक्वल टू बी होता है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी रूट टू होती है, और अगर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो उसका कंजुगेट हाइपरबोला भी रेक्टेंगुलर होगा, राइट, उसकी भी इसेंट्रिसिटी रूट टू जाएगी। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अभी हमने इक्वेशन भी बताई उसकी क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ए इक्वल टू बी करके हमने सेकंड पॉइंट में उसकी इक्वेशन निकाली थी, सेकंड में या फर्स्ट में, राइट, ये चीज। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब एक अलग टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें चाहिए रहता है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें पूरी की पूरी ए टू जेड डिराइव करनी है एंड उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, एक तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन इसी का एक इक्विवेलेंट होता है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसके बारे में सब कुछ स्टडी करना है एंड इसकी प्रॉपर्टीज देखने, छोटा सा पॉइंट है, प्लीज ध्यान से देखना। अब यहाँ से ये यहाँ पे गए कैसे हम, ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैं विजुलाइज कराता हूं कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, तो इस तरीके से ले लो, ठीक है। अच्छा, आप देखो जरा, अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और y एक्सिस को अगर मैंने 45 डिग्री रोटेट करके ये y, इसको y एक्सिस बना दिया, ठीक है, तो ये y एक्सिस बन गई, ठीक है, तो ये अब साथ में x एक्सिस भी रोटेट करेगी, तो ये x एक्सिस नई वाली बन गई, ठीक है, तो ये नई वाली x एक्सिस y एक्सिस बन गई, ग्राफ वहीं पे रहा, तो इन दैट केस ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, राइट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस जो ग्राफ होगा वो ग्राफ मेरा क्या आ जाएगा,
ग्राफ बन जाएगा ऐसा। तो इसकी इक्वेशन आएगी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये चीज आएगी हमारी, ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। अब रोटेशन हमें करना है, ठीक है, तो रोटेशन के लिए याद करो स्टार्टिंग में हमने जो देखा था राइट रोटेशन का, तो या जो कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्रू भी हम रोटेशन का जो थ्योरम है उसको बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं क्विकली ये चीज बताता हूँ रोटेशन की कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है, कि अगर ये एक पॉइंट है एक्स प्लस आइटा वाई राइट, तो इसको थीटा एंगल से रोटेट करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होगा, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू ई की पावर आइटा थीटा, सबसे पहले तो ये, ठीक है, किसी भी पॉइंट को ई की पावर आइटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रोटेट हो जाएगा थीटा से। अब देखो पॉइंट को रोटेट करना है थीटा से, ठीक, दैट इज वन थिंग, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द पॉइंट बाय एन एंगल थीटा, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखो जरा ये चीज तो हमें क्लियर थी, मेन पॉइंट हमारा पता क्या है कि देखो अगर इसको नीचे की तरफ रोटेट करना है, ठीक है, थीटा एंगल से, तो क्या पॉइंट आ जाएगा, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू ई की पावर माइनस आइटा थीटा, ठीक है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज अभी रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक ये सिचुएशन आ गई, दूसरी सिचुएशन है कि हमने पॉइंट को वही रखा एक्स प्लस आइटा वाई, एक्सिस को हमने थीटा एंगल से ऊपर कर दिया, ठीक है, अब ये ब्लैक वाली हटा दो, तो दीज टू सिचुएशन आर सेम। सो ये सिचुएशन, ये इसका पुराना वाला बोल दो, तो ये सिचुएशन जो नई वाली चीज बन के आई और यहाँ पे ये जो पुराने वाली चीज है ये दोनों सेम है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि आइदर रोटेट, अब सारा कुछ मैं वापस ला रहा हूं, राइट, सो आइदर रोटेट पॉइंट क्लॉकवाइज बाय थीटा और रोटेट एक्सिस बाय थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज थीटा से ऊपर ले जाओ या पॉइंट को थीटा से नीचे ले आओ, इट्स दीज टू सिचुएशन आर सेम। तो एक्सिस को रोटेट करने के बजाय हम क्या करेंगे, हमेशा पॉइंट को नीचे लेके आएंगे हमेशा, ठीक है। तो देखो ओल्ड पॉइंट ओल्ड कोऑर्डिनेट्स वो आगे एक्स प्लस आइटा वाई, इसको थीटा से नीचे लेके आए तो ये इंटू ई की पावर माइनस आइटा थीटा, अब ये नया पॉइंट बन जाएगा, लेट्स से कैपिटल एक्स प्लस आइटा कैपिटल वाई, ठीक है। अब इसको नीचे लेके आए तो एक्स प्लस आइटा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई कैपिटल वाई नए वाले कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस आइटा थीटा, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा इंटू ई की पावर आइटा थीटा, दैट्स इट, दैट्स इट, तो दैट इज एक्स प्लस आइटा कैपिटल वाई, ठीक है, इंटू सिस थीटा, सिस थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। अब रियल पार्ट क्या आ रहा है इसका, इधर आ रहा है एक्स, इधर रियल पार्ट क्या आ रहा है एक्स कॉस थीटा माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वाई साइन थीटा, एंड वाई क्या आ रहा है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, तो वाई क्या आ रहा है हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ द न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो कभी भी अगर मेरे को पूरी इक्वेशन चेंज करनी है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्सिस को अगर थीटा एंगल से रोटेट करना है, राइट, एक्सिस को अगर थीटा एंगल से रोटेट करना है तो रोटेशन के बाद ऑब्वियसली कर्व चेंज कर जाएगी, तो वो चेंज्ड कर्व जो है वो क्या होगी, वो चीज अगर लानी है तो मैं क्या करूंगा, ये जो पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी वैल्यू इसके अंदर डाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा is equal to f of capital x cos theta minus capital y sin theta, right? तो ये जो equation है ये capital x capital y की form में है, यानी कि this is the transformed equation, ठीक है? इसी equation की transformed equation आई जब हमारी axis theta angle से rotate कर गई, right? इस चीज का मतलब ये। अब हमें ध्यान से देखो ऊपर हमें किस angle से rotate करना था, हमें clockwise rotate करना था, right? तो theta should be minus 45 degree. ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं करनी है, क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, तो ये चीज क्या बन जाएगी, देखो x बन जाएगा
कैपिटल एक्स, ये वन बाय रूट टू, ये माइनस वन बाय रूट टू, तो प्लस कैपिटल वाई बाय रूट टू, एंड स्मॉल वाई क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस कैपिटल एक्स बाय रूट टू। अब ये वाली जो वैल्यू है एक्स एंड वाई की, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये दोनों चीजें हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये वाला जो हाइपरबोला था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो लेट्स सी क्या इक्वेशन आ रही है इसकी। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है हमारा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे रूट टू का स्क्वायर, तो नीचे आ गया टू, माइनस वाई का स्क्वायर आ रहा है इसका स्क्वायर, तो दैट इज वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी रूट टू का स्क्वायर टू, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, ये नीचे का टू टू जो है ये इधर चला जाएगा, तो क्या चीज आ जाएगी, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा, टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई दैट इज फोर एक्स वाई दैट इज टू ए स्क्वायर। ठीक, तो एक्स वाई इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर बाय फोर दैट इज ए स्क्वायर बाय टू, और इसको हमने नाम दे दिया सी स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यस, ये जो इक्वेशन आई दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये रोटेशन से मैंने एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पूरी इक्वेशन डिराइव कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज कि यस वी हैव गॉट द इक्वेशन। ठीक है, इस पार्ट की इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, याद करो एक्स वाई इक्वल टू वन, वो भी यही इक्वेशन होती है। तो इट इज काइंड ऑफ द एक्स वाई इक्वल टू वन जो होता है, यस इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जो स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल का ग्राफ जो ऑलरेडी हम करते आ रहे थे, ये रेसिप्रोकल का ग्राफ जो 1,1 से पास करता है, ये माइनस 1,-1 से, तो कोई भी वैल्यू जो है जो 0 टू 1 उसका रेसिप्रोकल 1 से इन्फिनिटी होता है, कोई भी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी उसका रेसिप्रोकल 1 टू 0 होता है, राइट। ये ऑलरेडी जो रेसिप्रोकल का ग्राफ हमने देखा हुआ है, राइट, ये वही चीज है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनडायरेक्टली, यस ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है। ठीक है, ये चीज समझो। अब इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट, राइट। अब यहाँ पे 1,1 भूल जाओ, क्योंकि इट इज एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, अब थोड़ा सा और टेढ़ा देखो, तो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, ये एक्ट करेगा इसका एक्सिस, यहाँ पे कहीं पे आएगा फोकस, एंड यहाँ पे कहीं पे आएगी डायरेक्ट्रिक्स, ऐसे। ठीक है, एंड यस, क्योंकि ये अभी भी, अब सिम्प्टोट्स क्या एक्ट करेंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके सिम्प्टोट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखो इसकी क्या क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इसके सिम्प्टोट्स हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो सिम्प्टोट्स जो है अभी भी 90 डिग्री पे है, क्योंकि रोटेशन की है ना हमने, तो एंगल तो सेम रहेगा, तो 90 डिग्री पे है, यानी कि ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। मतलब एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के बी का जो एसेंट्रिसिटी होगा, इसका भी एसेंट्रिसिटी रूट टू ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे वो वाली इक्वेशन वैलिड नहीं है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर वैलिड है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअली में ए बी की वैल्यू नहीं पता अभी तक। अगर वो चीज पता चल जाए तो रूट टू हम इधर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये चीज आई कि यस इसके सिम्प्टोम्स जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक, एंड जो इसकी एसेंट्रिसिटी है, यस वो भी इसकी रूट टू है। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये चीज आई। अब सेकेंड, अब अगर हमें ये चीज निकालनी है, देखो ये चीज, तो ये चीज, ये 45 डिग्री वाली लाइन आप, राइट, तो ये वाली जो लाइन है एक्स इक्वल टू वाई, जहां पर ये इस हाइपरबोला को टकरा रही है, राइट, कौन सा हाइपरबोला, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये पॉइंट हमें मिलेंगे और ये रहेंगे वर्टेक्स हमारे। तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए हमने क्या किया, थर्ड वर्टेक्स एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को हमने साइमल्टेनियसली सोल्व कराया एक्स इक्वल टू वाई के साथ, तो क्या बन जाएगा, इधर एक्स की जगह वाई डाल दिया, जो वाई की जगह एक्स, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी। तो पॉइंट्स क्या आ गए वर्टेक्स के, सी माइनस सी कोमा माइनस सी, थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या आ गए, सी कोमा सी एंड माइनस सी कोमा माइनस सी, दीज आर द टू वर्टेक्स इफ हाइपरबोला इज एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, देन फोर्थ,
इसकी ये जो लेंथ बन के आएगी, ठीक है, ये लेंथ रहेगी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, और क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो इसकी कंजुगेट एक्सिस की लेंथ भी यही रहेगी, तो ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ इज इक्वल टू कंजुगेट एक्सिस लेंथ, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सी कोमा सी एंड माइनस सी कोमा माइनस सी, सो दैट इज नथिंग बट 2c का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 8c स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 2 रूट 2c, तो ये इसकी कंजुगेट एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, 2a जिसको या 2b जिसको हम बोलते थे। शुभम क्या बोल रहा है सर कि किसी सिंगल एक्सिस रोटेट कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि y एक्सिस वहीं पे रही और x एक्सिस रोटेट हो गई, तो यानी कि x एक्सिस y एक्सिस अभी 90 डिग्री पे नहीं है। हाँ जी सर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अब आगे जाके तुम हायर अलजेब्रा में या सॉरी अपना हायर मैथमेटिक्स में डेफिनेटली देखोगे, ठीक है, तो लेकिन ये जेई सिलेबस में नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है, इन दैट केस ऐसी हो जाती है ये जो चीज है ना, तो ऐसा बोल सकता ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, ठीक है ना, तो इस तरीके से इन दैट केस ऐसे करके हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऐसे करके बनते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, है पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है, आगे जाके तुम्हारे काम आ सकता है मे बी, ठीक है, जब डायमेंशन वगैरह इंट्रोड्यूस करनी होती है चेंज करनी होती है तो वहां पर काम आ सकता है, ठीक है, चलो। अच्छा अब देखो जरा, तो ये जो लाइन है ये एक्ट करेगी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड ये लाइन जो है ये एक्ट करेगी कंजुगेट एक्सिस, तो बेसिकली x इक्वल टू y इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड x इज इक्वल टू माइनस y इज कंजुगेट एक्सिस, ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस या कंजुगेट एक्सिस, ठीक है, कंजुगेट एक्सिस आ गई x प्लस y इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू माइनस y, एंड ट्रांसवर्स एक्सिस जो है, ठीक है, ये आ गई x इक्वल टू y, ठीक है, एक तो ये चीज आ गई, ओके, अब हमें इसका फोकस एंड फोकस क्या होगा, देखो ये जो लेंथ है इसको e से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है, ये लेंथ आ रही सी कोमा सी का ओरिजिन से डिस्टेंस दैट इज रूट टू सी, तो रूट टू सी को रूट टू से मल्टीप्लाई किया टू सी, यानी कि ये फोकस जो होगा ये एक ऐसा पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू वाई की लाइन के ऊपर जिसका डिस्टेंस जो है वो होगा कितना टू सी, ठीक है, तो लेट से पॉइंट इज ए कोमा ए, ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई टाइप का पॉइंट है यानी कि एक्स और वाई सेम रहेगा, अब ए कोमा ए टाइप का डिस्टेंस जो है राइट वो आ जाएगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर अंडर द रूट, ये होना चाहिए टू सी, तो स्केयरिंग की तो 2a square is 4c square, ये कटा, तो a is equal to plus minus root 2c, यानि कि yes, focus जो आ रहा है वो क्या आ रहा है root 2c comma root 2c, या फिर इधर focus जो आ रहा है वो minus root 2c comma minus root 2c, तो focus जो आए हमारे that is root 2c comma root 2c, या फिर minus root 2c comma minus root 2c, ठीक है, ये आ गया, देन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहीं पे मैं दोबारा बना रहा हूं, वहां पे काफी होचपोच हो गया अभी, ठीक है, देखो ये अगेन एक्सिस, अब ये लेंथ कितनी आ रही थी अगेन रूट टू सी, अब इसको ई से डिवाइड करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वहां से परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, एंड सिमिलरली नीचे, तो रूट टू सी को रूट टू से डिवाइड किया तो पॉइंट लेंथ आ गई सी, यानी कि सी डिस्टेंस पे अब जो पॉइंट आएगा राइट पहले तो वो निकालते हैं, तो एक्स इक्वल टू वाई लाइन के ऊपर हमें पॉइंट चाहिए जो सी डिस्टेंस पे है राइट, तो यानी कि ये भी पॉइंट अब ए कोमा ए टाइप का होगा, तो ए स्केयर प्लस ए स्केयर अंडर द रूट, दिस इज दैट डिस्टेंस दैट शुड बी सी, तो टू ए स्केयर इज सी स्केयर, तो ए इज प्लस माइनस सी बाय रूट टू, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है राइट ये पॉइंट आ रहा है सी बाय रूट टू कोमा सी बाय रूट टू, या फिर नीचे वाला जो पॉइंट आ रहा है ठीक ये पॉइंट दैट इज माइनस सी बाय रूट टू कोमा माइनस सी बाय रूट टू, ठीक है, अब यहां से माइनस वन स्लोप की लाइन जो होगी वो डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ रही है, पहली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ रही है वाई माइनस सी बाय रूट टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी बाय रूट टू दैट इज इक्वल टू माइनस वन, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ रही है वाई प्लस सी बाय रूट टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी बाय रूट टू दैट इज इक्वल टू माइनस वन, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गए, फोकस हो गए, एक्सिस हो गई, कंजुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टेक्स हो गया राइट, एसिम्प्टोट्स हो गई, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल इसका होता नहीं है ठीक, क्योंकि कंजुगेट ये अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो डायरेक्टर सर्कल होगा नहीं इसका, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है, अच्छा
एक दो चीजें हैं अभी स्टिल, दो पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली इसका पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है सी टी कोमा सी बाय टी, फिर टी इज द पैरामीटर। ठीक है, टी इज द पैरामीटर, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर मेरे को इस हाइपरबोला के ऊपर लेना है तो मैं क्या करूंगा, सी टी वन कोमा सी बाय टी वन ले लो, टी टू ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन जनरल लेना सी टी कोमा सी टी भी सी बाय टी भी ले सकते हो, ठीक है। देन नाइन्थ इज एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है, और हाइपरबोला की प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये तुम नॉर्मली भी प्रूव कर सकते हो लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कंजुगेट हाइपरबोला के सॉरी अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के थ्रू बहुत इजीली प्रूव हो जाता है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है कि रैंडमली हमने एसिम्प्टोट्स लिए, वही अपना स्टैंडर्ड बी बाय ए एक्स एंड माइनस बी बाय एक्स, अब कोई भी हाइपरबोला मैंने बनाया, ठीक है, इसकी कोई भी टेंजेंट बनाई, तो टेंजेंट जहां पर ये एसिम्प्टोट्स को टकराती है तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, तो टेंजेंट एनी टेंजेंट अलोंग विद एसिम्प्टोट्स मेक अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं करता, ठीक है, ये एरिया का जो ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट एनी टेंजेंट form with asymptotes is constant। अब इसका एरिया क्या होता है, वो एरिया निकालने के लिए, क्योंकि देखो कॉन्स्टेंट है तो कहीं पर भी अगर मैं एरिया बनाऊंगा ट्राइंगल का वो सेम रहेगा, राइट, तो मैंने कहा कि वर्टेक्स पे मैंने टेंजेंट बनाई, अब क्योंकि ये ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सिमेट्रिक होगा तो मैं ऊपर वाले का एरिया निकालूंगा, उसको नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाला भी साथ में आ जाएगा, राइट, तो ये निकालने के लिए देखो ये होता है ए, ये होता है बी, इस ट्रायंगल का एरिया क्या जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू बी, तो दैट इज हाफ ए बी, हाफ ए बी, तो टोटल मिलकर टू ए बी हो जाएगा, सॉरी ए बी, तो एरिया जाएगा ए बी, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टेंट एरिया दैट इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब वही चीज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के थ्रू देखो इजिली प्रूव कैसे हो सकती है, तो हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है इसके ऊपर एक पॉइंट लिया सी टी कोमा सी बाय टी एंड इसकी बनाई हमने टेंजेंट, तो ये एरिया हमें प्रूव करना है कि इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने, तो क्या करेंगे पार्शियल सब्स्टिट्यूशन टी इक्वल टू जीरो, तो उसके लिए क्या किया हमने, टू से मल्टीप्लाई किया, टू एक्स वाई इक्वल टू टू सी स्क्वायर, या आ गया एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू टू सी स्क्वायर, अब एक एक्स वाई के अंदर एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, एक के अंदर वाई को, तो ये बन जाएगा सी टी इंटू वाई, इसके अंदर एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, अब इसके अंदर वाई को, that is c by t, that is 2 c square, c c कटा, तो t y plus x by t that is equal to 2 c, so this is the equation of tangent। अब देखो ये x axis को पहली asymptote को कहाँ पे टकरा रही है, जहाँ पे y को zero put किया, y को zero put करके क्या बन गया, ये t इधर आ जाएगा 2 c t, so this is 2 c t, y axis को कहाँ पे टकरा रही है, जहाँ पे x को zero put किया, इसको zero put किया, तो t divide हो गया, तो 2 c by t, राइट, तो एरिया क्या आ रहा है ट्रायंगल का, हाफ इनटू बेस दैट इज 2 सी टी इनटू हाइट दैट इज 2 सी बाय टी, तो टी टी कटा 2 2 कटा, तो दैट इज 2 सी स्क्वायर, यस इट इज कांस्टेंट व्हिच इज 2 सी स्क्वायर। अब बच्चे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि इधर 2 सी स्क्वायर आ रहा है, उधर हमारा ए स्क्वायर आ रहा है एरिया, राइट, इन केस अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो सेम नहीं आ रहे एक्चुअली, में ध्यान से देखो जब हमने इक्वेशन को रोटेट किया था तो हमें क्या मिला था, ए स्क्वायर इज 2 सी स्क्वायर, तो यानी कि अगर एरिया इधर हमें ए स्क्वायर मिल रहा है एंड इधर 2 सी स्क्वायर मिल रहा है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। विद दिस यस वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, दिस वाज अ बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, डन डन, इसके अलावा और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ हमने इंपॉर्टेंट कवर अप कर लिया है, एंड वी आर डन विद द क्वाड्रेंट ज्योमेट्री ऑल्सो, ठीक है। चलो